बायर्स का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जेपी और अमरपाली के बाद अब लॉजिक्स होम के घर खरीदार भी सड़क पर आ गए हैं। आज लॉजिक्स होम के घर खरीदारों ने नोएडा अथॉरिटी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। होम बायर्स का आरोप है कि रेरा से बचने के लिए बिल्डर्स ने अथॉरिटी से मिली भगत कर प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले लिया है। मामला नोएडा सेक्टर 143 के लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन्स प्रोजेक्ट का है। लोगों ने इस प्रोजेक्ट में साल 2010 में बुकिंग कराई थी, लेकिन 7 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी पोजेशन नहीं मिला है। बिल्डर होम बायर से 90% तक पेमेंट जिस तरह से ले चुके हैं और ग्राहकों का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर बिल्डर ने दफ्तर के बाहर बाउंसर तैनात कर दिए हैं। इस तरह से जो होम बायर्स हैं अलग अलग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में वो फंसे हुए हैं और एक मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं। इस वक्त तो पहुंचे हैं नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर, जहां पर लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन के होम बायर्स पहुंचे हैं अपनी समस्याएं लेकर। क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, इनकी बात कर लेते हैं। सर ये बताइए क्या कुछ दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, सब बताइए। 2000 में हमने फ्लैट बुक करवाया और अभी तक 2017 में पहुंच गए, 2010 में कराया, 2017 में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। सबके जिनके अलग अलग फ्लैट हैं, अलग अलग ईएमआई जा रहे हैं और रेंट हम लोग दे रहे हैं जो कि 20 से लेकर। मैडम एक चीज मैं आप लोगों के आगे प्रदर्शित कर रहे हैं, आपकी बिल्डर से बात हुई, उनका क्या कहना है इस तरह से जो ये हो रहा है, क्या कहना है? क्योंकि हम नोएडा अथॉरिटी के सामने खड़े हैं, तो मैं इसमें नोएडा की मिलीभगत का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि 2014 में यदि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया, बिल्डर ने एप्लीकेशन दे दी, डिक्लेयर कर दिया मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, तो उन्होंने इंस्पेक्शन क्यों नहीं करी? आज तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है और ऑक्यूपेंसी की सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आज तक कैंसिल क्यों नहीं की गई है? आपने बिल्डर से बात करी, बिल्डर का क्या कुछ कहना है? मैम अभी रिसेंटली बिल्डर्स और बायर्स की मीटिंग हुई थी अथॉरिटी के ऑफिस में, फिर डिसाइड अथॉरिटी ने डिसाइड किया हम ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे। ज्वाइंट इंस्पेक्शन में दिखाया गया कि ऐसे टावर की ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दी गई जिसमें लिफ्ट तक नहीं लगी हुई है। एक प्रॉब्लम ये है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट गलत तरीके से देने के कारण बायर्स को परेशान किया जाता है। आप जल्दी आप पेमेंट दीजिए, नहीं तो हम आपका कैंसिल कर देंगे। धमकाया जाता है, नहीं हम सुधार होंगे। बहुत छोटे छोटे बिजनेस और धंधे में ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं, एक आस लेकर कि उनके जो पैसा उन्होंने दिया है घर लेने के लिए, उनका जो आशियाना है वो उनको दिया जाए। कैमरामैन शेर सिंह के साथ यशस्विका, जी मीडिया, नोएडा। तो होम बायर्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काफी परेशानी का सामना इस समय कर रहे हैं। बिल्डर्स की धांधली के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम का असर भी होता दिख रहा है। नोएडा अथॉरिटी लॉजिक्स होम को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के मामले में नोटिस जारी करेगी। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अथॉरिटी लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन्स प्रोजेक्ट के 18 टावर का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर सकती है। होम बायर्स की समस्या को लेकर आज अथॉरिटी ने बिल्डर्स के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में करीब 12 बिल्डर्स ने हिस्सा लिया है। मीटिंग में पोजीशन से लेकर बिल्डर्स ने अपने अपने सुझाव रखे, जिसके बाद अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये कमेटी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करेगी, जिसमें लॉजिक्स होम के प्रोजेक्ट का भी नाम शामिल है।